पार्ट की सब होमोजेनियस इक्वेशन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, होमोजेनियस कॉन्सेप्ट तो हमने बता ही दिया, तो होमोजेनियस में क्या होता है, सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। और इसके जो रूल होते हैं आपको ध्यान रखना है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो, और इसे आप बोलते हैं ट्राइबल सोल्यूशन, और इसे को बोलते हैं हम यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो होती है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या होता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो जब भी इनफाइनाइट सोल्यूशन की वैल्यू आती है तो आपसे पूछा जाता है कि आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, तो आपसे कंप्लीट सॉल्व करते हैं, और जैसे यूनिक सोल्यूशन होता है तो डायरेक्ट निकल आता है कि भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, वो तो जीरो है ही। ठीक है, तो यहां पे दो ही केस होते हैं, यहां पे इनकंसिस्टेंसी का केस नहीं होता है। तो जब भी होमोजेनियस का क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, तब क्या बनेंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है, दो सोल्यूशन मिलेंगे आपको, दो टाइप के सोल्यूशन, एक तो ट्राइबल मिलेगा और दूसरा मिलेगा नॉन ट्राइबल सोल्यूशन, नॉन ट्राइबल सोल्यूशन। ओके, नाम ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पास फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, तो जो एक मैट्रिक्स दी गई 2x, तो हम इसे डिटरमिनेंट के मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कर दें। एक मैट्रिक्स ए लिख दिया हमने, 2, 3, -1 लिख दिया, 1, -1, -2 लिख दिया, 3, 1, 3 लिख दिया। अब हम क्या कर रहे थे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे थे, 2, 1, 3, 3, -1, -1, -2, 3। चलिए डिटरमिनेंट निकालते फटाफट, 2 के रिस्पेक्ट में -3 + 2 -3 + 2 की -1 हो जाएगी, -3 के रिस्पेक्ट में देखते हैं 3 + 6 9 हो जाना चाहिए, ठीक है, और -1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 वैल्यू हो गई 4, और ये वैल्यू मुझे जो दिख रही है -27, -2 and -4 which is not equal to 0 means इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, implies that it has unique solution। क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और क्या मिलेगा, नॉन ट्राइवल, सॉरी ट्राइवल सोल्यूशन। और इस केस में x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बहुत सिंपल सा काम था, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ट्राइवल सोल्यूशन x y z इज इक्वल टू 0, सिंपल, यहीं पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, और ये प्रॉपर्टी हमें पता है इसलिए हम इसे इरेज कर रहे हैं। देखते हैं सेकंड में क्या कंडीशन आती है। तो हमने इसे ए फॉर्म में लिखा, ए इज इक्वल टू है हमारे पास इन द मैट्रिक्स 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -2 and 1, 3, 6 and -5 कि ए हो गया, ठीक है, एक्स आपको पता है, एक्स वाई जेड लिख लेंगे और इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इसे इरेज कर दिया जाए, देखते हैं इसमें पैटर्न कैसा बनता है। तो यहां पे अगर बात करें हम इसका डिटरमिनेंट निकालने की, तो डिटरमिनेंट देख लीजिए, 1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये आएगा +10 -6 वैल्यू होगी 4, -1 के रिस्पेक्ट में -5 -3 वैल्यू आएगी -8 एंड अब -1 के रिस्पेक्ट में देखा तो 6 + 6 आएगा, 6 + 6 आएगा और वैल्यू आएगी 12, ठीक है, तो वैल्यू देखिए ध्यान से 4 + 8 - 12 मतलब ये वैल्यू आ गई 0। अब अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम तो कंसिस्टेंट है लेकिन वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया। अब आपको नॉन होमोजेनियस में मैंने इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालना बताया हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, पैटर्न तो वही रखेंगे आप जिस टाइप से हमने सॉल्व किया था, आप एक्स वाई या जेड में से किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, क्या करेंगे, कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे, तो हमने लेट कर दिया, लेट जेड बी अ कांस्टेंट वैल्यू, जेड क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि हमारे जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस कुछ चेंज होंगे, जैसे कि आप देखिए x
प्लस वाई माइनस के या इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, के कर देते हैं, ठीक है। सेकंड देखिएगा ध्यान से, एक्स माइनस टू वाई और ये जेड है तो जेड राइट साइड में जाएगा तो वैल्यू आ गई माइनस का के, इसे सेकंड देंगे। फर्स्ट टू इक्वेशन को लेकर के हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर ली और यहां से हमने क्या किया, यहां से मान लेते हैं कि मैट्रिक्स भी फॉर्म कर लेते हैं और पी की वैल्यू क्या है, वन 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 माइनस टू, ये एक मैट्रिक्स पी है, ठीक है। और इसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देते हैं, एक्स एंड वाई और कॉन्स्टेंट की वैल्यू है के एंड माइनस के, ठीक है। इसको हमने एज्यूम किया पी, ये एक्स हो गया और ये हो गया कॉन्स्टेंट, जैसे कि हम एज्यूम कर रहे थे बी के फॉर्म में, तो यहां पर पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एज्यूम कर दिया। अब P का हमें एडजॉइंट निकालना है और इनवर्स निकालना है, तो P का डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं, माइनस टू माइनस वन वैल्यू आएगी माइनस थ्री विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, माइनस थ्री आ चुका है, क्या गया माइनस की वैल्यू जीरो नहीं, तो क्या हमें एक्स वाई की जो वैल्यू है अब हमें के फॉर्म में निकालनी, बिकॉज इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अब अगर ये मालूम हो चुका है तो एक जॉइंट ऑफ पी निकाल दिया जाए और इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं, इंटरचेंज विद साइन चेंज, माइनस टू वन, ध्यान से देखिएगा इन दोनों का हमने इंटरचेंज किया है और इन दोनों का साइन चेंज करना है, यह आ गया माइनस वन एंड माइनस वन, ये एक जॉइंट आ गया, ठीक है। नाउ इनवर्स पी इनवर्स निकालना है तो वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू एट जॉइंट ऑफ पी कर दिया, सारा का सारा प्रोसीजर वापस रिपीट हो रहा है, तो वन अपॉन माइनस थ्री आ गया। इन अ मैट्रिक्स माइनस टू माइनस वन और ये प्लस वन है, ठीक है। अब बात करनी है यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी, ध्यान से देखिएगा एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स का मतलब हो गया पी इनवर्स इंटू क्यू हो गया और पी इनवर्स हमारे पास है माइनस वन अपॉन थ्री इन अ मैट्रिक्स टू माइनस वन वन और Q की वैल्यू है K एंड माइनस K, K एंड माइनस K, चलिए मल्टीप्लाई माइनस वन बाई थ्री रो विद कॉलम, माइनस टू के एंड प्लस K, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस K एंड माइनस K, यहां पे माइनस K आएगा, माइनस वन बाई थ्री वैल्यू क्या आ गई, माइनस K एंड माइनस टू के, और x का मतलब ये है कि हमने लिखा क्या था एक्स वाई, तो x की वैल्यू अगर आप देखें तो k by 3 आ रही है, x हम क्या नहीं k by 3 और y की वैल्यू आ रही है 2k by 3, एक्स वाई आ गया और z तो हमने एज्यूम किया हुआ था, z क्या था k था, z क्या था k, तो ये 3 इक्वेशंस आ गए, ठीक है। अब सॉरी 3 वैल्यू जा गई, अब हमें करना क्या था, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना था, तो जो थर्ड इक्वेशन दी गई थी वो क्या थी बेटा, 3x प्लस सिक्स वाई माइनस फाइव जेड और इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। देखते हैं थ्री एक्स की जगह के बाई थ्री हो गया प्लस सिक्स मतलब हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाई थ्री माइनस फाइव और जेड की जगह क्या होता के, थ्री हो गया यहां से फोर हो गया मतलब ये फाइव की आ गया और माइनस फाइव की आ गया और रिजल्ट क्या आ गया, जीरो, मतलब हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है आपको होमोजेनियस